हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करने वाले हैं IRCTC के शानदार 5 nights 6 days राजस्थान टूर पैकेज की। दोस्तों, IRCTC एक बार फिर से आपके लिए एक नई सौगात लेकर आया है और इसी क्रम में IRCTC राजस्थान घूमने के लिए बेहद ही शानदार और किफायती टूर पैकेज की पेशकश कर रहा है। इस टूर पैकेज का नाम है राजस्थान लैंड पैकेज, जिसके तहत आप राजस्थान यात्रा के लिए जा पाएंगे। इस पैकेज के जरिए आपको राजस्थान की फेमस प्लेसेस जैसे जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर घूमने का मौका भी मिलेगा। IRCTC ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट www.irctctourism.com के साथ साथ अपने ट्विटर हैंडल के जरिए भी इस लैंड टूर पैकेज की जानकारी दी है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं इस पैकेज के बारे में और भी डिटेल में। IRCTC का ये पैकेज जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर के नाम से है और इसकी शुरुआत और अंत जयपुर में ही होगी। जयपुर तक आप जिस भी माध्यम से पहुंचना चाहते हैं पहुंच सकते हैं। वहां के स्टेशन या एयरपोर्ट से आपको इस पैकेज के अंतर्गत कैब में बैठाया जाएगा और इसके साथ ही 5 रातों और 6 दिनों वाले इस टूर पैकेज की शुरुआत हो जाएगी। दोस्तों, यह एक ऐसा टूर पैकेज है जो हर तरह से मुफीद है, जिसमें आपको ज्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप भी राजस्थान में घूमने के लिए एक्साइटेड यानी उत्सुक हैं, तो चलिए IRCTC के इस सस्ते राजस्थान टूर पैकेज के बारे में जान लें। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस पैकेज की शुरुआत जयपुर से होगी। ये पूरी यात्रा 5 रात और 6 दिन यानी 5 nights 6 days की होगी, जिसमें आप जयपुर में 2 nights, जोधपुर में 1 night, जैसलमेर में 1 night और बीकानेर में 1 night के लिए स्टे करेंगे। इस पैकेज में आपको 3 टाइप की कैटेगरी मिलेंगी, जिसमें स्टैंडर्ड, डिलक्स और लग्जरी पैकेज के ऑप्शंस होंगे। इस टूर पैकेज में आप जयपुर के हवा महल, जंतर मंतर, सिटी पैलेस, जल महल, नाहरगढ़ फोर्ट, आमेर फोर्ट, जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट, उमेद भवन म्यूजियम, जैसलमेर में जैसलमेर फोर्ट, पटवों की हवेली, वार म्यूजियम को घूम पाएंगे। इसके साथ ही आपको जैसलमेर के सैम सैंड ड्यून्स में सनसेट का शानदार व्यू को अपने कैमरे में कैप्चर करने का मौका भी मिलेगा और फिर आप बीकानेर के जूनागढ़ फोर्ट, देशनोक टेंपल को भी घूम पाएंगे और सभी जगह आप शाम के समय शॉपिंग भी कर सकते हैं। पैकेज के तहत आपको हर जगह जाने के लिए कैब के साथ ही 5 breakfast दिए जाएंगे। साथ में आपको शानदार AC होटल में रुकने की फैसिलिटीज भी दी जाएगी। साथ ही साथ इसमें लोकल ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी शामिल है, जिसमें आपको रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या फिर एयरपोर्ट से पिक करना भी शामिल होगा। आपको बता दें कि इस टूर पैकेज की शुरुआत अगस्त के महीने से होगी और अगले साल के मार्च तक आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं। आपको बताते चले कि इस टूर पैकेज की शुरुआत लगभग 18,000 रुपए से होगी। और अब आपको बताते हैं IRCTC के इस टूर पैकेज में किन गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि ये एक लैंड टूर पैकेज है जिसके तहत पूरी यात्रा बाय रोड यानी सड़क के माध्यम से करेंगे। इस पैकेज के तहत आपको 3 comfort class के ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें पहला है इंडिगो या डिजायर या एटियोस, दूसरा है इनोवा या टवेरा या जाइलो और तीसरा है टेम्पो ट्रेवलर। और तीनों ऑप्शंस आपको स्टैंडर्ड, डिलक्स और लग्जरी पैकेज की कैटेगरी में मिलेंगे। इस टूर में अगर आप एटियोस, इंडिगो, डिजायर जैसे गाड़ियों पर ट्रिप करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत 17,000 रुपए से होगी। वहीं अगर आप इनोवा, टवेरा या जाइलो जैसे गाड़ियों पर ट्रिप करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत 15,000 रुपए से होगी और अगर आप टेम्पो ट्रेवलर पर ट्रिप करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत 13,000 रुपए से होगी। इस टूर की कीमत आप जिस तरह का पैकेज चुनते हैं उसके हिसाब से है। ये स्टैंडर्ड, डिलक्स और लग्जरी 3 कैटेगरी में अवेलेबल है। पैकेज के हिसाब से आपके ग्रुप का साइज और कार होगी। जैसे इंडिगो डिजायर में 4 लोगों का ग्रुप जाएगा तो इनोवा जाइलो में 6 लोगों का और टेम्पो ट्रेवलर में 10 लोगों का। सिंगल ऑक्यूपेंसी में ये टूर आपको अधिकतम 4 लोगों वाले ग्रुप को चुनने पर 42,000 के आसपास पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड पैकेज की कीमत है। डिलक्स और लग्जरी की कीमत ज्यादा है। इसी पैकेज में 2 लोग होंगे तो कीमत 22,000 रुपए के करीब पहुंचेगी और 3 लोगों में 16,000 रुपए के आसपास। अगर इनोवा जैसी बड़ी गाड़ियों में 6 लोगों के ग्रुप वाले पैकेज को चुनते हैं तो टूर की शुरुआत 20,000 रुपए से होगी और 3 लोगों के होने पर कीमत कम होकर 14,000 रुपए के आसपास आ जाएगी। अब आपको इस टूर पैकेज की आइटिनरी यानी पूरा यात्रा कार्यक्रम के बारे में बताते हैं। यात्रा के पहले दिन आपको
जयपुर के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या फिर एयरपोर्ट से पिक किया जाएगा। उसके बाद होटल में चेक इन कराया जाएगा और फिर हवा महल, जंतर मंतर आदि जगहों पर घुमाकर वापस होटल में स्टे कराया जाएगा। यानी रात्रि विश्राम जयपुर के होटल में ही होगा। दूसरे दिन नाश्ते के बाद जयपुर के जल महल, नाहरगढ़ फोर्ट, आमेर फोर्ट आदि जगहों की साइट सीइंग कराई जाएगी और रात्रि विश्राम जयपुर के होटल में ही होगा। यात्रा के तीसरे दिन नाश्ते के बाद जोधपुर के लिए निकलेंगे। यहाँ मेहरानगढ़ फोर्ट देखेंगे और रात्रि विश्राम जोधपुर के होटल में करेंगे। इसके बाद चौथे दिन नाश्ते के बाद उम्मेद भवन म्यूजियम को विजिट करेंगे और फिर जैसलमेर के लिए आगे बढ़ जाएंगे और फिर शाम को सैम सैंड ड्यून जाएंगे और जैसलमेर के होटल में ही रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद पांचवे दिन जैसलमेर से बीकानेर तक घुमाया जाएगा। नाश्ते के बाद जैसलमेर के जैसलमेर फोर्ट, पटुओं की हवेली और युद्ध संग्रहालय यानी वार म्यूजियम को विजिट करेंगे और फिर बीकानेर के लिए आगे बढ़ जाएंगे और बीकानेर के होटल में ही रात्रि विश्राम करेंगे। और छठे दिन नाश्ते के बाद बीकानेर के जूनागढ़ फोर्ट, ऊंट प्रजनन फॉर्म और देशनोक मंदिर जैसे दर्शनीय स्थलों की यात्रा कराई जाएगी और फिर बीकानेर से वापस जयपुर पहुंचेंगे, जहां पर आपको जयपुर के रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टैंड या फिर एयरपोर्ट पर ड्रॉप कर दिया जाएगा और इसके साथ ही अच्छी यादों के साथ आपका राजस्थान टूर संपन्न हो जाएगा। दोस्तों, अब आपको इस पैकेज का फेयर यानी कि किराया डिटेल से बताते हैं। यदि आप इस टूर पैकेज में इंडिगो, डिजायर या एटियोस कैटेगरी को सेलेक्ट करते हैं तो आपको बता दें कि इसमें मैक्सिमम 4 लोग ही एक साथ जा सकते हैं। इस कैटेगरी में यदि आप स्टैंडर्ड क्लास में जाना चाहते हैं तो सिंगल ऑक्यूपेंसी यानी एक जने के लिए बुक करते हैं तो आपको 42,000 से 44,000 रुपए, डबल ऑक्यूपेंसी यानी दो लोगों के लिए एक साथ बुक करते हैं तो पर पर्सन यानी प्रति व्यक्ति 22,000 रुपए से 24,000 रुपए, और ट्रिपल ऑक्यूपेंसी यानी तीन लोगों के लिए एक साथ बुक करते हैं तो पर पर्सन यानी प्रति व्यक्ति 16,000 रुपए से 18,000 रुपए के बीच पे करना पड़ेगा। यदि आपके साथ 5 से 11 साल तक का बच्चा है और आप उसके लिए बेड लेना चाहते हैं यानी चाइल्ड विद बेड, तो आपको 4,000 से 5,000 रुपए, और यदि आप बेड नहीं लेना चाहते यानी चाइल्ड विदाउट बेड, तो आपको 3,000 से 4,000 रुपए के बीच पे करना पड़ेगा। इस कैटेगरी में यदि आप डिलक्स क्लास में जाना चाहते हैं तो सिंगल ऑक्यूपेंसी यानी एक जने के लिए बुक करते हैं तो 46,000 से 50,000 रुपए, डबल ऑक्यूपेंसी यानी दो लोगों के लिए एक साथ बुक करते हैं तो पर पर्सन यानी प्रति व्यक्ति 17,000 से 22,000 रुपए, और ट्रिपल ऑक्यूपेंसी यानी तीन लोगों के लिए एक साथ बुक करते हैं तो पर पर्सन यानी प्रति व्यक्ति 17,000 से 19,000 रुपए के बीच पे करना होगा। यदि आपके साथ 5 से 11 साल तक का बच्चा है और आप उसके लिए बेड लेना चाहते हैं यानी चाइल्ड विद बेड, तो आपको 5,000 से 6,000 रुपए, और यदि आप बेड नहीं लेना चाहते यानी चाइल्ड विदाउट बेड, तो आपको 4,000 से 5,000 रुपए के बीच पे करना होगा। और इसी कैटेगरी में यदि आप लग्जरी क्लास में जाना चाहते हैं तो सिंगल ऑक्यूपेंसी यानी एक जने के लिए बुक करते हैं तो 53,000 से 62,000 रुपए, डबल ऑक्यूपेंसी यानी दो लोगों के लिए एक साथ बुक करते हैं तो पर पर्सन यानी प्रति व्यक्ति 28,000 से 33,000 रुपए, और ट्रिपल ऑक्यूपेंसी यानी तीन लोगों के लिए एक साथ बुक करते हैं तो पर पर्सन यानी प्रति व्यक्ति 21,000 रुपए से 25,000 रुपए के बीच पे करना पड़ेगा। यदि आपके साथ 5 से 11 साल तक का बच्चा है और आप उसके लिए बेड लेना चाहते हैं यानी चाइल्ड विद बेड, तो आपको 8,000 से 11,000 रुपए, और यदि आप बेड नहीं लेना चाहते यानी चाइल्ड विदाउट बेड, तो आपको 6,000 से 10,000 रुपए के बीच पे करना होगा। यदि आप इस टूर पैकेज में इनोवा, टवेरा, जाइलो कैटेगरी को सेलेक्ट करते हैं तो आपको बता दें कि इसमें कम से कम यानी मिनिमम 5 और अधिकतम यानी मैक्सिमम 6 लोग एक साथ जा सकते हैं। इस कैटेगरी में यदि आप स्टैंडर्ड क्लास में जाना चाहते हैं तो सिंगल ऑक्यूपेंसी यानी एक जने के लिए बुक करते हैं तो 20,000 से 22,000 रुपए, डबल ऑक्यूपेंसी यानी दो लोगों के लिए एक साथ बुक करते हैं तो पर पर्सन यानी प्रति व्यक्ति 14,000 से 16,000 रुपए, और ट्रिपल ऑक्यूपेंसी यानी तीन लोगों के लिए एक साथ बुक करते हैं तो पर पर्सन यानी प्रति व्यक्ति 13,000 से 14,000 रुपए के बीच पे करना पड़ेगा। यदि आपके साथ 5 से 11 साल तक का बच्चा है और आप उसके लिए बेड लेना चाहते हैं यानी चाइल्ड विद बेड, तो आपको 13,000 से 14,000 रुपए, और यदि आप बेड नहीं लेना चाहते यानी चाइल्ड विदाउट बेड, तो आपको 12,000 से 13,000 रुपए के बीच पे करना होगा। इस कैटेगरी में यदि आप
डिलक्स क्लास में जाना चाहते हैं तो सिंगल ऑक्यूपेंसी यानी एक जने के लिए बुक करते हैं तो आपको 24,000 से 26,000 रुपए, डबल ऑक्यूपेंसी यानी दो लोगों के लिए एक साथ बुक करते हैं तो पर पर्सन यानी प्रति व्यक्ति 17,000 से 19,000 रुपए, और ट्रिपल ऑक्यूपेंसी यानी तीन लोगों के लिए एक साथ बुक करते हैं तो पर पर्सन यानी प्रति व्यक्ति 16,000 रुपए से 18,000 रुपए के बीच पे करना पड़ेगा। यदि आपके साथ 5 से 11 साल तक का बच्चा है और आप उसके लिए बेड लेना चाहते हैं यानी चाइल्ड विद बेड, तो आपको 14,000 से 15,000 रुपए, और यदि आप बेड नहीं लेना चाहते यानी चाइल्ड विदाउट बेड, तो आपको 13,000 रुपए से 14,000 रुपए के बीच पे करना होगा। और इसी कैटेगरी में यदि आप लग्जरी क्लास में जाना चाहते हैं तो सिंगल ऑक्यूपेंसी यानी एक जने के लिए बुक करते हैं तो 30,000 से 40,000 रुपए, डबल ऑक्यूपेंसी यानी दो लोगों के लिए एक साथ बुक करते हैं तो पर पर्सन यानी प्रति व्यक्ति 21,000 से 26,000 रुपए, और ट्रिपल ऑक्यूपेंसी यानी तीन लोगों के लिए एक साथ बुक करते हैं तो पर पर्सन यानी प्रति व्यक्ति 19,000 से 24,000 रुपए के बीच पे करना होगा। यदि आपके साथ 5 से 11 साल तक का बच्चा है और आप उसके लिए बेड लेना चाहते हैं यानी चाइल्ड विद बेड, तो आपको 17,000 से 20,000 रुपए, और यदि आप बेड नहीं लेना चाहते यानी चाइल्ड विदाउट बेड, तो आपको 15,000 से 19,000 रुपए के बीच पे करना पड़ेगा। यदि आप इस टूर पैकेज में टेम्पो ट्रेवलर कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं तो आपको बता दें कि इसमें कम से कम यानी मिनिमम 8 और अधिकतम यानी मैक्सिमम 10 लोग एक साथ जा सकते हैं। इस कैटेगरी में यदि आप स्टैंडर्ड क्लास में जाना चाहते हैं तो सिंगल ऑक्यूपेंसी यानी एक जने के लिए बुक करते हैं तो 19,000 से 20,000 रुपए, डबल ऑक्यूपेंसी यानी दो लोगों के लिए एक साथ बुक करते हैं तो पर पर्सन यानी प्रति व्यक्ति 14,000 से 15,000 रुपए, और ट्रिपल ऑक्यूपेंसी यानी तीन लोगों के लिए एक साथ बुक करते हैं तो पर पर्सन यानी प्रति व्यक्ति 13,000 से 14,000 रुपए के बीच पैकेज की कॉस्ट आएगी। यदि आपके साथ 5 से 11 साल तक का बच्चा है और आप उसके लिए बेड लेना चाहते हैं यानी चाइल्ड विद बेड, तो आपको 12,000 से 13,000 रुपए, और यदि आप बेड नहीं लेना चाहते यानी चाइल्ड विदाउट बेड, तो आपको 11,000 से 12,000 रुपए के बीच पे करना पड़ेगा। इस कैटेगरी में यदि आप डिलक्स क्लास में जाना चाहते हैं तो सिंगल ऑक्यूपेंसी यानी एक जने के लिए बुक करते हैं तो 23,000 से 27,000 रुपए, डबल ऑक्यूपेंसी यानी दो लोगों के लिए एक साथ बुक करते हैं तो पर पर्सन यानी प्रति व्यक्ति 16,000 से 17,000 रुपए, और ट्रिपल ऑक्यूपेंसी यानी तीन लोगों के लिए एक साथ बुक करते हैं तो पर पर्सन यानी प्रति व्यक्ति 15,000 से 16,000 रुपए के बीच पे करना पड़ेगा। यदि आपके साथ 5 से 11 साल तक का बच्चा है और आप उसके लिए बेड लेना चाहते हैं यानी चाइल्ड विद बेड, तो आपको 12,000 से 13,000 रुपए, और यदि आप बेड नहीं लेना चाहते यानी चाइल्ड विदाउट बेड, तो आपको 11,000 से 12,000 रुपए के बीच पे करना होगा। और इसी कैटेगरी में यदि आप लग्जरी क्लास में जाना चाहते हैं तो सिंगल ऑक्यूपेंसी यानी एक जने के लिए बुक करते हैं तो 29,000 से 40,000 रुपए, डबल ऑक्यूपेंसी यानी दो लोगों के लिए एक साथ बुक करते हैं तो पर पर्सन यानी प्रति व्यक्ति 20,000 से 25,000 रुपए, और ट्रिपल ऑक्यूपेंसी यानी तीन लोगों के लिए एक साथ बुक करते हैं तो पर पर्सन यानी प्रति व्यक्ति 18,000 से 22,000 रुपए के बीच पैकेज की कॉस्ट आएगी। यदि आपके साथ 5 से 11 साल तक का बच्चा है और आप उसके लिए बेड लेना चाहते हैं यानी चाइल्ड विद बेड, तो आपको 16,000 से 19,000 रुपए, और यदि आप बेड नहीं लेना चाहते हैं यानी चाइल्ड विदाउट बेड, तो आपको 14,000 से 17,000 रुपए के बीच पे करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर एक बात और बता दे कि इस टूर पैकेज का फेयर यानी कि किराया ब्लैक आउट डेट्स यानी दशहरा, दिवाली, क्रिसमस और नए साल में अलग अलग रहता है, और इसकी जानकारी के लिए आप tourismjp@irctc.com पर मेल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि IRCTC राजस्थान पैकेज में क्या क्या इंक्लूड्स है, यानी कि पैकेज में क्या क्या शामिल है। इस पैकेज में आपको 5 ब्रेकफास्ट, शानदार एसी होटल, पूरे रास्ते गाड़ी में एसी की सुविधा, स्टेशन और होटल से पिकअप ड्रॉप के लिए गाड़ी, और यात्रा कार्यक्रम के अनुसार दर्शनीय स्थलों की यात्रा की सुविधा के लिए भी गाड़ी मिलेगी। इसके साथ साथ टोल टैक्स, सर्विस टैक्स, पार्किंग शुल्क, GST और ड्राइवर का चार्ज भी इस पैकेज में इंक्लूड रहेगा। और अब आपको बताते हैं कि इस पैकेज में क्या क्या एक्सक्लूड्स है, यानी कि पैकेज में क्या क्या शामिल नहीं है। किसी भी मॉन्यूमेंट यानी स्मारक की एंट्रेंस फीस आपको अलग से पे करनी पड़ेगी। इस पैकेज में ट्रेन, एयरफेयर यानी ट्रेन का किराया, फ्लाइट का किराया शामिल नहीं है, क्योंकि ये एक लैंड पैकेज है जिसकी शुरुआत जयपुर से सड़क के माध्यम से होगी। किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी, वीडियो कैमरा और किसी भी गतिविधि यानी
एक्टिविटीज के लिए फीस आपको अलग से ही देनी होगी। इसके अलावा टिप्स, इंश्योरेंस चार्ज, मिनरल वाटर, टेलीफोन चार्ज, लॉन्ड्री भी इसमें शामिल नहीं है। यदि आप पैकेज की टूर आइटिनरी के अलावा अन्य कहीं घूमना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको अलग से ही पे करना पड़ेगा। और अब बात करते हैं IRCTC राजस्थान टूर पैकेज की कैंसिलेशन पॉलिसी की। यदि आप 15 दिन से ज्यादा के समय पर इस पैकेज को कैंसिल कराते हैं तो आपके पैसों में से प्रति व्यक्ति 250 रूपए की कटौती होगी, यानी की पर पर्सन 250 रूपए डिडक्ट किए जाएंगे। यदि आप 8 से 14 दिन के समय पर इस पैकेज को कैंसिल कराते हैं तो पैकेज में से 25% की कटौती की जाएगी, यानी 25% का डिडक्शन किया जाएगा। यदि आप 4 से 7 दिनों पर इस पैकेज को कैंसिल कराते हैं तो पैकेज के कॉस्ट में से 50% की कटौती की जाएगी, यानी 50% का डिडक्शन किया जाएगा। यदि आप 4 या इससे कम दिनों में पैकेज को कैंसिल कराते हैं तो पैकेज के कॉस्ट में से 100% की कटौती की जाएगी, यानी 100% का डिडक्शन हो जाएगा। वहीं अगर आपको इस टूर पैकेज का लाभ उठाना है तो आप IRCTC टूरिज्म की ऑफिशियल वेबसाइट www.irctctourism.com पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इसके अलावा IRCTC टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर रीजनल और जोनल ऑफिस के जरिए भी बुकिंग की जा सकती है। तो दोस्तों, आप भी IRCTC के इस नए टूर पैकेज का लाभ उठाएं और अपने परिवार या दोस्तों के संग राजस्थान के इन खास जगहों पर चेक इन जरूर करें। वहीं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और भी ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल चेक इन न्यूज को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।